राज्य पशु रेगिस्तान का जहाज तो है ही, लेकिन पर्यटन का हिस्सा भी है, जिसे सरकार ऊंटों की सजाकर पर्यटकों को आकर्षित करती है। आज उस ऊंट की इस घटती संख्या ने पशु प्रेमियों को चिंता में डाल दिया। राज्य पशु तो घोषित कर दिया, किंतु इसके संरक्षण और इसकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए। उससे ऊंटों की संख्या जो कुछ वर्ष पूर्व 10 लाख हुआ करती थी, वो घट करके लगभग 1.5 लाख हो चुकी है। वह ऊंट जो अनेक रोगों में, के असाध्य रोगों में ऊंट का दूध काम आता है, आज ऊंट पर जो सरकार बच्चे पैदा होने पर जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान जो आर्थिक सहायता करती है, उस आर्थिक सहायता को 3 गुनी की जाए। आपके चैनल के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री से मांग करता हूं कि ऊंटों की संख्या अगर समय रहते नहीं बढ़ाई गई, ऊंटों को पालने वाली राय का जाति को रोजगार नहीं दिया गया, तो ऊंट ऐसा ना होगा गोडावण की भांति केवल चित्रों में नजर आए। ऊंटों की संख्या बढ़ाने और संरक्षण के लिए सरकार को कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, नहीं तो ये बहुत एक चिंता का विषय है। ऊँटों की तो यही है, अभी गर्मी के अंदर तो 2 घंटे चलाते हैं और बाकी बस बिठा देते हैं इनको। खाली गर्मी 2 घंटे आराम से छाया में बिठा देते हैं, उसके बाद में चलाते हैं 4 बजे बाद। ऊँटों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से मदद यही है बस, खाली वो मालवीय नगर से वो आती है दवाई की गाड़ी, जैसे खुजली हो जैसे कुछ भी हो ऊँट को वो दवा देती है। आर्थिक मदद नहीं मिलती कुछ पैसे? वो अभी कुछ नहीं मिलती। कितने ऊँट थे पहले, घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, क्या हालात? पहले यहाँ पे पावर उसको 100 ऊँट थे, 100 ऊँट में सब 10 ऊँट रह गए। वो भी इतना काम नहीं करते, इतने काम नहीं आते पहले जितने, पहले जितना काम भी नहीं आता। तो खाली दिखावे के रह गए, मतलब ये मजदूरी वगैरह में इसमें तो काम नहीं आते? नहीं, अब बस ये है खाली वगैरह के काम आते, टूरिस्ट के काम आते, यही काम रह गए। क्या लगता है ऊँटों को कैसे बचाना चाहिए, कैसे बच सकते हैं? अब इनको तो ये है बस, अब जैसे ठंडी छाया में बिठा मले, शाम को 4 बजे बाद में कोई ऑर्डर आएगा तो लगा देंगे। नहीं बैठे ऊँटों को कैसे बचा सकते हैं? कैसे बचा सकते हैं? अब तो ये बस देखो, अब गर्मी पड़ रही है जबरदस्त,